हेलो गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम्ड इन आर के इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम प्रेजेंट विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज पार्ट टू। इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब which have been asked many time in board examination. So guys, please pay attention to what I say. So, बच्चों आज के इस वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि आपको पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हम किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करेंगे। बच्चों दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, ओनली इफ यू नो समथिंग अबाउट टेंसेज दिस चैप्टर विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। बच्चों आज के इस वीडियो में आठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला वाक्य बच्चों दे आर डॉट डॉट टीवी फुल स्टॉप। बच्चों ब्रैकेट में इसी प्रकार से हो सकता है एक वर्ड ही दिया जाए, तो हमको उसी को उचित रूप में रखना होगा, और ये विकल्प में दो तीन है तो उसमें से कोई चूज करना होगा। टू वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग में से बच्चों हमें कोई एक यहाँ पर विकल्प करना है। तो बच्चों सबसे जो सुटेबल वर्ड है, वॉच भी नहीं लगा सकते हम, जो कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। वॉच भी नहीं लगा सकते हम, तो हमारा पहले वाक्य में जो बनेगा सबसे अच्छा वॉचिंग। बच्चों यहाँ क्या करना है, वॉचिंग। इसी क्रम बच्चों सी द सेकंड सेंटेंस, ही हैज बीन डॉट डॉट एब्सेंट टुडे। और बच्चों ऑप्शन के तौर पर जो ब्रेकेट में है, मार्क मार्क्ड मार्किंग। तो बच्चों हैज बीन देख करके बहुत से स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि हम मार्किंग लगा दें, किंतु बच्चों दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस बच्चों पैसिव वॉइस में है, तो मैं हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म लाना, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, मार्क। तो उत्तर हो गया ही हैज बीन मार्क्ड एब्सेंट टुडे। इसी क्रम बच्चों सेंटेंस नंबर थ्री को देखिए, इंडिया डॉट डॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। भारत इतने में इंडिपेंडेंट हुआ, अर्थात बच्चों बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड फॉर्म। तो बच्चों पास्ट की बात है, इसलिए हमको क्या लगाना है, बिकेम सेकंड फॉर्म, तो बिकेम भरा जाएगा। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। गुड। नेक्स्ट बच्चों द ट्रेन फॉर मुंबई डॉट डॉट एट 9:30 AM एवरी डे। ऑप्शन बच्चों लीव और लीव्स। बच्चों क्या बनेंगे इसमें, एक शब्द दे रहा कि पर डे इतने बजे जाती है, और द ट्रेन एक बच्चन, तो बच्चों क्या लगाएंगे, लीव्स। इसी क्रम में बच्चों ही केम आफ्टर हिज मदर, ही केम आफ्टर हिज मदर। बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें क्या होता है, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट परफेक्ट बन जाता है, अगर यही वाक्य आफ्टर वाला होता बच्चों तो इधर पास्ट परफेक्ट, इधर पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ क्या लगाना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अर्थात बच्चों हैड यहाँ प्रयोग में आएगा, तो ही केम आफ्टर हिज मदर हैड गॉन। नेक्स्ट बच्चों ओ दैट आई, ओ दैट आई डॉट डॉट यंग अगेन। और बच्चों यहाँ ब्रैकेट में दे दिया गया बी फॉर्म। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज और वर साइलेंट होता है। तो बच्चों ओ, ये बच्चों आई विश, ओ का मतलब आई विश,
साइलेंट है, यहाँ कोई कल्पना कर रहा है, काश मैं यंग अगेन हो जाता। तो जब भी ऐसा बात हो तो इसके विपरीत बच्चों हम सहायक क्रिया लगाते हैं, अर्थात यहाँ वर सबसे अच्छा होगा। तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, वर्क हार्ड लेस्ट यू, वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट है। बड़ा प्यारा वाक्य बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो, इसी को हमें शब्द को देखना है। ऑप्शन के तौर पर शैल विल शुड, बच्चों में याद रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, अर्थात बच्चों यहाँ क्या लिखा जाएगा, शुड। और इसी क्रम बच्चों दैट डे ही डॉट डॉट हिज हाउस, उसी दिन उसने अपना घर छोड़ दिया। दैट डे पास्ट की बात है, उसी दिन उसने अपना घर छोड़ दिया। तो लेफ्ट फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट कोई फॉर्म नहीं होता है, ये भी नहीं बनेगा, तुम्हारा क्या सही जाएगा, लेफ्ट। सो गाइज आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दीज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड यू विल कीप इन योर माइंड टिल एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।